हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे व्रत में खाए जाने वाले कूटू के आटे के दही वड़े। इसके लिए मैंने 1.5 कप कूटू का आटा लिया है। इसमें बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्ची डालेंगे, 1/2 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग व्रत का नमक डालेंगे। 1 उबले हुए आलू को मैंने बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर में ग्रेट किया है, ये इसमें डालेंगे। आलू और आटे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आलू और आटा अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बैटर बनाएंगे। अब बैटर को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए, इसको फेंटते हुए मुझे 4 मिनट हो गए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बस ऐसी ही रखनी है, ना इससे पतली ना इससे गाढ़ी। कूटू के दही वड़े बनाने के लिए बैटर तैयार है, अब इसको फ्राई करेंगे। कूटू के वड़े फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दें। ऑयल गरम हो गया है, हाथ को देखिए इस तरह से थोड़ा गीला करेंगे। जितने बड़े आप बनाना चाहते हैं उतना बैटर ले लें और इस तरीके से छोड़ दे जाएंगे कढ़ाई में। धीरे से इनको चला देंगे, बड़ों की साइड बदलते हुए गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे। ऑयल को मीडियम हॉट रखेंगे। ये देखिए, बड़े एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। अब साइड में तेल निचोड़ते हुए इनको निकाल लेंगे। इसी तरह सभी बड़े फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये बर्तन में मैंने गुनगुना पानी लिया है, इसमें 1/2 चम्मच व्रत का नमक डाल दिया है। अब जो बड़े फ्राई किए हैं वो इसमें डाल देंगे। इसको ढक के 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब दही बड़ों के लिए दही तैयार करेंगे। ये मैंने 2 कप दही लिया है, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग व्रत का नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। दही को साइड पे रख देंगे और बड़े चेक करेंगे। ये देखिए, कूटू के दही बड़े 1/2 घंटा मैंने पानी में भिगा दिए थे, कितने अच्छे फूल गए हैं। अब एक एक बड़े को लेंगे, हल्के हाथ से प्रेस करेंगे कि थोड़ा इसके अंदर से पानी निकल जाए। जिस भी डिश में आपको सर्व करनी है उसमें इस तरीके से लगाते जाएं। बहुत ही सॉफ्ट दही बड़े बने हैं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से प्रेस करें। अब जो दही हमने तैयार किया था वो बड़ों के ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा भुना हुआ जीरा डालेंगे। थोड़ी थोड़ी काली मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। अगर लाल मिर्ची आप व्रत में नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। लीजिए, बनके तैयार हैं हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट टेस्टी से कूटू के दही बड़े। इनको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।